साल 2024 में मर्सिडीज बेंज इंडिया का लक्ष्य है 12 गाड़ियों को लॉन्च करने का। और इस साल की शुरुआत कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार की। ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी महीने में ही दो AMG कार्स कंपनी ने लॉन्च कर दी थी, जिसमें से सेकंड थी मर्सिडीज की AMG GLE 53 कूपे। वैसे तो रेगुलर GLE का नया वर्जन साल 2023 में लॉन्च किया गया था, लेकिन AMG वर्जन के साथ GLE सिर्फ 53 4Matic प्लस कूपे वर्जन में ही आती है। अब इस गाड़ी के एक्सटीरियर में तो कंपनी ने थोड़े बहुत बदलाव किए, लेकिन इंटीरियर और टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे तो आप कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। नई AMG GLE 53 में अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन में देखेंगे तो फ्रंट में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आपको ग्रिल में देखने को मिल जाएगा। ये अब कम ट्रेपेजॉइडल के साथ आती है और ज़्यादा राउंडेड है पहले से। बाकी वर्टिकल AMG लाइंस आपको देखने को मिल जाती है, बड़ा सा 3-pointed स्टार आपको देखने को मिल जाता है, और जो AMG बैजिंग है वो काफ़ी फेमिलियर आपको देखने को मिलती है। बोनट पर भी आपको नया AMG लोगो मिल जाता है, साथ में यहाँ पर अफाल्टर बाक मेंशन किया गया है। फ्रंट बम्पर लेआउट सेम है, बट प्रपोर्शन इसका चेंज कर दिया गया है। अब ये पहले से ज़्यादा अपराइट नज़र आती है और बोनट भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर नज़र आता है विथ ट्विन मस्कुलर क्रीजेस। हेडलाइट का जो शेप है वो पुराने वर्जन जैसा ही है, लेकिन इसके इंटरनल डिज़ाइन में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। और साथ ही अब ये हेडलाइट मल्टी बीम हेडलाइट है, जो कि नए सिग्नेचर DRLs के साथ आती है। साइड प्रोफाइल से AMG GLE 53 वाकई काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार नज़र आती है, और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि इस गाड़ी में जो टायर्स दिए जा रहे हैं, देखो अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो तो नॉर्मल सा ही है, AMG वाला है, लेकिन फ्रंट में जो टायर प्रोफाइल है वो आपको अलग देखने को मिलता है, और रियर में जो टायर प्रोफाइल कंपनी ऑफर कर रही है वो आपको अलग देखने को मिलता है। कूपे रूफलाइन के साथ अगर आप रियर प्रोफाइल देखते हैं तो वहाँ से ये गाड़ी बाकी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर नज़र आती है। छोटा सा स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, और साथ ही नीचे की तरफ जो क्वाड एग्जॉस्ट आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं, बाकी इस गाड़ी को स्पोर्टी तो बनाते हैं साथ ही साथ लग्जूरियस रूप भी देते हुए नज़र आते हैं। मर्सिडीज AMG GLE 53 कूपे के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर तो नज़र आता ही है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा आलीशान और लग्जूरियस भी नज़र आता है। डुअल स्क्रीन्स आपको देखने को मिल जाती हैं, और डैशबोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस हिसाब से कंपनी ने चीज़ें रखी हैं वाकई काफ़ी ज़्यादा लग्जरी आपको नज़र आती है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो AC वेंट्स हैं वो GLS Maybach जैसे नज़र आते हैं। बाकी वुडन ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारा यहाँ पर सैटिन क्रोम का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। AC के जो कंट्रोल्स हैं नो डाउट दिखने में काफ़ी प्रीमियम नज़र आते हैं, और इन्हें यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बाकी यहाँ सेंटर कंसोल आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और ये कप होल्डर्स कूलिंग एंड वार्म दोनों ही फंक्शन के साथ आते हैं, यानी कि अगर आपको अपनी ड्रिंक ठंडी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, हॉट रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। बाकी बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी में जो टाइप सी USB पोर्ट्स दिए जा रहे हैं वो 100 वॉट के दिए जा रहे हैं, मतलब आप अपना स्मार्टफोन तो चार्ज कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको अपना लैपटॉप चार्ज करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ ही इस गाड़ी में आपको हैप्टिक टच तो देखने को मिल जाता है, और साथ ही सबसे खास बात तो ये है कि अब आपको नया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, और जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ हैं, और AMG वर्जन है तो ऐसे में AMG स्टीयरिंग व्हील तो मिलता ही मिलता है। जो कंट्रोल्स हैं ड्राइव मोड के वो भी आपको AMG वाले प्रॉपर मिल जाते हैं। GLE का AMG वर्जन है, मतलब लग्जरी SUV का स्पोर्टी वर्जन है, तो इस गाड़ी में आपको एयरमेटिक सस्पेंशन तो मिल जाते हैं, और इन्हीं सस्पेंशन को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस तो वो भी आप ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो गाड़ी का इंटीरियर है या लेदर की फिनिश है, सीट्स हैं, नो डाउट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। और ये जो सीटें हैं ना, ये सीटें आपको वेंटिलेशन और हीटेड दोनों ही फंक्शन के साथ देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। AMG GLE 53 कूपे के रियर सीटों पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भरपूर स्पेस मिल जाएगा। अब कूपे है
तो ऐसे में कूपे रूफ लाइन तो देखने को मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 फीट या इससे लंबा व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, साथ ही साथ पीछे की तरफ जो 2 Type-C USB पोर्ट दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से आगे 100 वॉट सॉकेट आपको मिल रहे थे, पीछे भी आपको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं। बाकी स्टोरेज स्पेस वाइज अगर आप देखेंगे दरवाजों पर, वो आपको पर्याप्त मिल जाता है। साथ ही साथ बमेस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है, जिसका म्यूजिक आउटपुट नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 लोग रियर सीटों पर काफ़ी आसानी से बैठ जाएंगे, और जो सीटें हैं वहाँ आपको बढ़िया अंडरनीथ थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक सीटें हैं ये। बाकी इन्हीं सीटों पर आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन सुविधा की अगर हम बात करें तो जो वेंटिलेशन फंक्शन है रियर सीटों पर, उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे, वो ऑप्शनल है। एक चीज़ जो कि आपको निराश कर सकती है इस AMG GLE 53 कूपे में, वो है इसका माइलेज, 6 किलोमीटर पर लीटर। अब इतना कम माइलेज, खैर जो भी इस गाड़ी को खरीदेगा उसे माइलेज से तो खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बस बता रहा हूँ। मर्सिडीज़ AMG GLE 53 कूपे 4MATIC प्लस में आपको 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, और ये जो इंजन है ये 430 BHP की पावर, 560 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पुराने मॉडल के मुकाबले जो कि 2023 में आता था उसके मुकाबले 20 BHP ज़्यादा पावर हुई है, 200 Nm टॉर्क ज़्यादा हुआ है, और इसी वजह से ये गाड़ी पहले के मुकाबले तेज़ भी हुई है। 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ने में इसे 5 सेकंड्स का वक्त लगता है, और टॉप स्पीड 250 km/h है। अब देखा जाए तो जो पुराना मॉडल था उसके मुकाबले 0.7 सेकंड्स ये तेज़ हुई है। 9-speed TCT ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता हुआ नज़र आता है, और बेस्ट पार्ट तो ये है कि कॉर्नरिंग करते समय जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। इसमें AMG कार है तो ऑब्वियसली बात है इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। मल्टीपल ड्राइव मोड्स में आपको क्या क्या मिलता है, एक है इंडिविजुअल, देन कंफर्ट, फिर स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, अब रेस मोड नहीं है, जो कि आपने AMG अगर मेरा वीडियो देखा होगा AMG A45S में एक रेस मोड मिलता था, इसमें नहीं है। अब ये SUV है तो इसमें आपको 5 ही ड्राइव मोड्स मिलते हैं, और ये जो 5 ड्राइव मोड्स हैं इन प्रत्येक ड्राइव मोड्स पे आपको अलग अलग डैम्पिंग यानी सस्पेंशन डैम्पिंग देखने को मिल जाती है, अलग अलग स्टीयरिंग का फीडबैक देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड पर चला रहे हैं तो ये गाड़ी वाकई काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हो जाती है, साथ ही साथ इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी चेंज हो जाता है। अब AMG के साथ अगर ऑफ रोडिंग करने को मिल जाए, खासकर इस लग्जरी SUV के साथ, तो बात ही अलग होती है। अगर आपको इस गाड़ी को ऑफ रोड मोड पर चलाना है तो वहाँ पर भी आप इसे ईजिली चला सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 4MATIC प्लस आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो ऐसे में ऑफ रोड पर आप इसे चला सकते हैं, और जो सस्पेंशन है उन्हें आप उठा सकते हैं, यानी कि एयरमेटिक सस्पेंशन जो है उसके ज़रिए आप इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको तेज़ तर्रार रफ्तार में भगानी है तो ऐसे में स्पोर्ट मोड पर लगाओगे तो जो सस्पेंशन है वो लोएस्ट सेटिंग पर आ जाएंगे, और आपको ये गाड़ी और ज़्यादा एरोडायनेमिक नज़र आएगी। अब आखिर में बात करते हैं मर्सिडीज़ AMG GLE 53 कूपे को खरीदा जाए या नहीं। देखो, इस गाड़ी को भारतीय बाजार में आए हुए लगभग 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। साल 2020 में जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी उस समय इसकी कीमत थी 1,20,00,000 रुपये एक्स शोरूम, और पिछले साल तक यानी कि इस मॉडल से पहले वाला जो मॉडल था उसकी कीमत थी 1,70,00,000 रुपये एक्स शोरूम, और साल 2024 में इस गाड़ी की कीमत 1,71,00,000 रुपये एक्स शोरूम है। ये गाड़ी AMG वाली परफॉर्मेंस तो आपको देती हुई नज़र आती ही आती है, साथ ही साथ SUV वाला कंफर्ट भी ये आपको देती हुई नज़र आती है। ओवरऑल आप बताओ, आपको मर्सिडीज़ की AMG GLE 53 कूपे का ये रिव्यू कैसा लगा? साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इस AMG GLE 53 कूपे में क्या कुछ खास है। और भारतीय बाज़ार में इस गाड़ी का मुकाबला Audi की RS Q8 से है, जिसकी कीमत इस गाड़ी के मुकाबले कई लाख रुपये ज़्यादा है।